अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। आरमगढ़ इलाके में कुछ लोग फेस बदल कर भीख मांग रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, आज सुनहरा तेलंगाना बनाने के जो सपने और ख्वाब है, लगता है कि वो कभी ना पूरे होने वाला ख्वाब है। इसलिए कि नौजवानों को नौकरी देने के जो वादे हुकूमत तेलंगाना करती थी, आज भी कई नौजवान बेरोजगारी में दर दर फिर रहे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हद तब हो गई कि कुछ नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, वो भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं, वो भी अपना भेष बदल कर। आप देख सकते हैं किस तरह से आरमगढ़ इलाके में नौजवान जो जिनको नौकरी नहीं मिली, वो लोग साड़ी पहनकर किन्नर बनकर लोगों से भीख मांगते हैं। फिर सुबह जो 5 बजे ये आकर काम शुरू करते हैं, तो शाम में 5 बजे इनका काम खत्म होता है। फिर अपना लिबास बदल कर ये अपने अपने मकानात को चले जाते हैं। अफसोस की बात है, जहां पर हुकूमत तेलंगाना बड़े बड़े वादे और दावे की थी, उसमें जीफर नजर आ रही है। बहरहाल लगता है कि आने वाला वक्त और खतरनाक होगा, इसीलिए अवाम को चाहिए कि देखें, समझें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि हम बारहा आपसे कह रहे हैं, अगर आप हमेशा एक ही आदमी को या एक ही पार्टी को जिताते रहेंगे, तो कभी भी ये मुल्क तरक्की नहीं हो सकता, कभी भी आपका शहर तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी आपका मोहल्ला तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप हर 5 साल अलग अलग पार्टी को या अलग अलग आदमी को जिताओगे, तभी आपकी तरक्की होगी, तभी हमारा मुल्क बदल सकता है। बहरहाल ये तो आपका फैसला है, आपको अब बताना है कि आप ही है जो हुकूमत बदल सकते हैं, आप ही है जो ये सिस्टम को बदल सकते हैं। वरना ऐसे ही हम मार खाते रहेंगे, हम भीख मांगते रहेंगे, हम आरजीसी करते रहेंगे और हमारे साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे। बहरहाल देखना है कि हुकूमत तेलंगाना नौजवानों की नौकरी के लिए क्या काम करती है। अब्दुल खालिद खान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।